भक्ति की शक्ति देश से हजारों किलोमीटर दूर शनिवार को इंग्लैंड में देखने को मिली। भारतीय एथलीट प्रियंका गोस्वामी ने विमेंस 10,000 मीटर रेस वॉक में सिल्वर मेडल जीता। मेडल सेरेमनी के बाद प्रियंका अपने आराध्य लड्डू गोपाल की मूर्ति के साथ नजर आईं। उन्होंने कहा, यह मेडल भगवान श्री कृष्ण और मेरे परिवार को समर्पित है। उनके सपोर्ट के बिना यह कामयाबी नहीं मिलती। प्रियंका ने 10,000 मीटर वॉक रेस को 49 मिनट 38 सेकंड में पूरा कर दूसरे स्थान पर रहीं। वहीं ऑस्ट्रेलिया की जेमिमा ने 42 मिनट का समय निकालकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। वहीं केन्या की एमिली 43 मिनट में रेस पूरी कर तीसरे स्थान पर रहीं। तेजस्विनी के हाई जंप ने ब्रांज और मुरली शंकर के सिल्वर मेडल के बाद कॉमनवेल्थ गेम्स में एथलेट में यह भारत का तीसरा पदक है। प्रियंका रेलवे में काम करती हैं। वह मूल रूप से मेरठ की रहने वाली हैं। उन्होंने 20 किलोमीटर वॉक रेस में देश के लिए कई मेडल जीत चुकी हैं। उन्होंने 2021 में टोक्यो ओलंपिक में भी देश को रिप्रेजेंट किया था। प्रियंका के पिता मदन पाल गोस्वामी यूपी रोडवेज में कंडक्टर की नौकरी करते थे, पर किसी कारण से उनकी नौकरी चली गई थी, जिसके बाद घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। प्रियंका ने मेरठ के गर्ल्स स्कूल और बीके माहेश्वरी से स्कूली शिक्षा पूरी की। बीए की पढ़ाई पटियाला में की। इस दौरान पिता टैक्सी चलाकर आटा चक्की और छोटे मोटे काम कर जैसे तैसे 4 से 5 हजार रुपए भेजते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज।